बॉलीवुड में इन दोनों एक के बाद एक तमाम विवादित फिल्में आ रही हैं। केरल स्टोरी रही, आदि पुरुष हो गई, और अब एक फिल्म आ रही है अजमेर 92, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके अलावा 72 हूरों को लेकर के भी खूब विवाद हो रहा है, लेकिन वो कब फिल्म आएगी? अभी तो उसका सिर्फ एक मामूली सा टीजर आया है, लेकिन आज चर्चा होगी अजमेर 92 पर, जो कि एक ऐसे स्कैंडल पर बनी जिस स्कैंडल से पूरा देश हिल गया था। इसको सुनकर लोगों की आत्मा कांप गई थी, क्योंकि ये घटना थी ही ऐसी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल अजमेर 92 फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और यू एंड के फिल्म बना रहा है। सुमित मोशन पिक्चर और लिटिल क्रू पिक्चर इसका निर्माण कर रहे हैं। इसका निर्देशन डायरेक्टर पुष्पन सिंह करेंगे। फिल्म में करण वर्मा, सुमित सिंह, राजेश शर्मा, मनोज जोशी, आकाश दाहिया, ईशान मिस अहम किरदार निभाएंगे। ये फिल्म इसी साल आने वाली 14 जुलाई को रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि पोस्टर आउट होते ही इस पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि देश भर के मुस्लिम संगठनों और दरगाह कमेटी ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल साल 1992 में अप्रैल के महीने में राजस्थान के अजमेर में सैकड़ों लड़कियों के साथ हैवानियत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये रोज भले ही सोशल मीडिया का उस वक्त जमाना नहीं था, लेकिन खबरों को आग की तरह फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक रोज एक अखबार के फ्रंट पेज पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की कुछ पिक्चर्स ऐसी आईं जिनको ब्लर करके लगाया गया था, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। दरअसल कहानी थी हैवानियत की, जिसमें 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी और 250 से ज़्यादा लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई थी। जी हाँ, सुनने में यह आंकड़ा बेहद बड़ा है। पीड़ितों ने अपने बयान में ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उनका कहना था कि शहर के रसूखदार परिवारों के कुछ लड़कों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। ये सिलसिला एक लड़की से शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार चलता ही रहा। फिर उनके आपत्तिजनक फोटो खींचे गए और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई। फोटो के नेगेटिव डिलीट करने का वादा करके पीड़ित छात्रा से उसकी दूसरी सहेली को लाने को कहा गया, और इस तरह से एक एक करके करीब 100 से ज़्यादा लड़कियां इस हवस का शिकार बनी। 100 लड़कियों के साथ हैवानियत हुई तो वहीं तकरीबन 250 लड़कियों के न्यूड पिक्चर खूब सर्कुलेट हुए। एक के बाद एक कई लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। और इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लड़कों के नाम सामने आए थे, जिनमें से मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इनके परिवार अजमेर की दरगाह में काम करते थे। तीनों यूथ कांग्रेस के सदस्य भी थे। पुलिस की जांच की पड़ताल जब और आगे बढ़ी तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और एक एक कर पीड़ितों को बयान के लिए आगे बुलाया गया था, लेकिन ज़्यादातर पीड़िताओं ने चुप्पी साध रखी थी। कुछ लड़कियां हैवानों के खिलाफ आवाज़ उठाने आई तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया। मात्र 2 लड़कियां अपने बयान पर डटी रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि 8 आरोपियों को उम्र कैद हुई थी, जिनमें से 4 को बाद में बरी कर दिया गया था और 4 की सजा 10 साल कर दी गई थी। वहीं अभी भी कई लोग फरार हैं, लेकिन इन ऐसे मुद्दों पर लगातार जो फिल्में आ रही वो खूब विवादों में हो रही हैं। लेकिन अजमेर 92 का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि केरल फाइल्स के बाद एक और ऐसी विवादित फिल्म आ रही है जो कि मुस्लिम संगठनों के निशाने पर है, और उनका आरोप है कि इससे मुसलमानों को डराने या दबाने या फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।